दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने लगाया दुनिया का सबसे लंबा 160 मीटर का छक्का और इस छक्के को देखने के बाद अफगानिस्तान के गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं रोहित शर्मा ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का कैसे जड़ा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया आज वर्ल्ड कप 2023 का भारत और अफगानिस्तान के बीच में करो या मरो का मुकाबला खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 272 रन स्कोर पर लगाए 8 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा साइदी ने 80 रन की तूफानी पारी खेली। मगर दोस्तों भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। लेकिन दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा रोहित शर्मा की भयंकर बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने 35 ओवर तक कर लिया 273 रन स्कोर पर लगाकर 2 विकेट खोने के बाद, जिसमें रोहित शर्मा ने 131 रन लगाए और वहीं विराट कोहली ने 55 रन का योगदान दिया और इस तरीके से इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत लिया। और दोस्तों आपको बता दें मामला उस वक्त का है जब भारतीय टीम की ओर से बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा और वहीं अफगानिस्तान की ओर से 23वां ओवर कराने के लिए आए थे राशिद खान। जैसे ही राशिद खान ने 23वें ओवर की तीसरी गेंद कराई तो रोहित शर्मा ने घुटना टेक कर उस गेंद को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। मगर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा ने जो छक्का लगाया है ये सबसे लंबा छक्का है।